गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी गाइस आफ्टरनून का टाइम है एंड गाइस अभी आप लोग लिटरली देख सकते हो क्या मस्त वेदर हो रखा है। और गाइस अगर आप लोग पहले पार्ट वन, पार्ट टू एंड पार्ट थ्री जाके ना देखे हो तो पहले वो देखिए, तब आप लोगों को इंटरेस्टिंग एंड पूरा व्लॉग समझ में आएगा। एंड ये है पार्ट फोर एंड गाइस आप लोग 25th मई की सीरीज ही देखिए, काफ़ी मस्त मस्त व्लॉग आ रहे हैं फिलहाल जो है। एंड बस अभी आप लोग इंजॉय करिए फुल व्लॉग को। सो गाइस फिलहाल टाइम जो 5:43 हो चुके हैं शाम के, एंड हम लोग 7:10 पे टोटो को लीव करेंगे क्योंकि हम लोग का 4 घंटे का एग्रीमेंट है मतलब। एंड गाइस इधर जो फिलहाल इतनी तेज वाली आंधी तूफान एंड बारिश आ रही है, एंड सभी हम लोग देखें कहाँ आए हैं। उस साइड में जो है महाशमशान घाट है, जो कि तारापीठ का महाशमशान घाट आप लोगों को भी पता ही होगा। एंड गाइस जस्ट इस साइड में बहुत ही बड़ा सारा पार्क है, आप लोग देख भी सकते हो, जो कि गाइस वही हम लोग अभी इधर आए हैं। गाइस आप लोग आसमान देख सकते हो। वैसे तो गाइस मैं आप लोगों को सारा व्यू दिखा ही रहा हूँ वॉइस ओवर, क्योंकि मैं व्लॉग उतना नहीं बना रहा हूँ क्योंकि गाइस मैं एंजॉय कर रहा हूँ मस्त, लेकिन मैं आप लोगों के लिए A to Z सारे के सारे शॉट्स जरूर ले रहा हूँ। और गाइस आप लोग जस्ट देख सकते हो क्या व्यू है, क्या मौसम है, आतंक हो गई गाइस आज लिटरली आना सफल हो गया। एक तो माँ के इतने अच्छे से दर्शन हो गए सुबह, और इतनी तेज आंधी तूफान आ रहा है ना अभी गाइस, बीच बीच में रुक जा रहा है वो गाइस, पूरा आसमान जो है पूरी तरह ब्लैक। आप लोग आई थिंक आवाज सुन सकते हो हवा की, और गाइस मौज होगी आज तो, इसको बोलते हैं असली मौज। तो नहीं तो गाइस सबको मिलता नहीं इस टाइम में, तो धूप ही रहता तो क्या होता, फिर तो हो गया सारे घूमने का मजा, लेकिन इतना बढ़िया मौसम लिटरली गाइस, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, इतना मस्त मौसम। एंड जस्ट उधर है महाशमशान घाट उधर साइड। एंड गाइस बस फिलहाल मैं आप लोगों को मिलता हूँ होटल में जाके यार थोड़ी देर बाद, अभी थोड़ा इधर चिल करते हैं एकदम आराम से। वैसे भी हम लोग का तो टाइम है 7:10 बजे तक, 8 बजे तक, कोई चिंता की बात नहीं है। तो फिर और गाइस अभी लिटरली आने में पंगा हो गया, मतलब बहुत तेज वाली बारिश आ गई इसलिए। तो चलिए फटाफट से चलते अपने टोटो में जाके मस्त, अब उधर में पर्दा लगा के चिल करते हैं। लिटरली गाइस फिलहाल जो तेज वाली बारिश भी आ चुकी है, मजा आ गया गाइस। एंड गाइस अभी हम लोग तुरंत टोटो में आके बैठ गए, लिटरली आज से एकदम मौसम सुहाना हो गया। मुंडू मालवी तो अभी लिटरली बहुत ज्यादा तेज बारिश आ गई थी इसलिए सब पर्दा वगैरह लग चुका, पूरे टोटो पैक हो चुका है। एंड गाइस सब क्वालिटी भी बहुत उसके बाद जो है लिटरली बहुत ही तेज बारिश आने लगी थी। एंड गाइस अभी उसके बाद जो टाइम काफ़ी बीत चुका है, और गाइस अभी आप लोग देखिए मस्त से बहुत ही बड़े हनुमान जी के हम लोग मंदिर में आए। गाइस मौसम तो लेकिन अभी भी वैसे का वैसा ही है, लेकिन गाइस मतलब बारिश एंड आंधी तो थोड़ी रुक चुकी है अभी। फिलहाल गाइस अभी हम लोग घर पे भी आ चुके, घर पे मतलब सॉरी घर तो हावड़ा में, इधर तो गाइस अभी हम लोग जो है होटल रूम पे आ चुके हैं। और गाइस फिलहाल टाइम जो है 7:04 हुए हैं ऑन टाइम, गाइस हम लोग घर पहुंच चुके हैं। हम लोग को टोटो वाला पूरा 4 घंटा घुमा दिया। एंड गाइस जो उसको चार्ज लेना था तो ले लिया। एंड गाइस सबसे बड़ी खुशी की बात है, कल का भी हम लोग का प्लान झारखंड जाने का, एक्चुअली गाइस तारापीठ से झारखंड हम लोग, अरे ओ चा चुप हो जाओ रे चा, व्लॉग बना लेने दो रे चा। हाँ तो गाइस वही मैं बोल रहा हूँ कि कल जो हम लोग इधर से तारापीठ से मतलब टोटो में वो हम लोग को खाली घुमाने लेके जाएगा बस, झारखंड जो है थोड़ा सा मतलब 3 किलोमीटर तक झारखंड में वैसे करके हम लोग टोटो रिजर्व किए, क्योंकि माँ का मतलब माँ तारापीठ जो है ना उनकी बहन है उधर में झारखंड में, इसीलिए कल हम लोग झारखंड जैसे वो झारखंड ही बोला गया क्योंकि झारखंड के 3 किलोमीटर तक अंदर जाएंगे इसलिए गाइस। और गाइस हाँ लिटरली आज जो मजा आया ना गाइस, आज घूमने में जो मजा आया ना,
क्योंकि गाइस एकदम ठंडा ठंडा मौसम हो गया था। आप लोग देख ही चुके, मैंने आप लोग को दिखाया था पूरा आंधी तूफान, इतनी तेज जोर की बारिश। हम लोग को तो एक बार लगा था टोटो टो पलट ना जा गए, बहुत डर भी लगा था, इसलिए हम लोग सोचे कि टोटो को मुड़वा के एक बार होटल में ले लेते, बाद में फिर घूम लेंगे। लेकिन गाइस नहीं, भगवान की जैसे ऐसा कुछ नहीं, शांत हो गया तो हम लोग आराम से फिर घूमने पाए। लेकिन गाइस जो मजा आया, बहुत सारे मंदिर घूमे, सारे मंदिर का गाइस मैंने आप लोगों को वीडियो दिखा ही नहीं पाया क्योंकि बहुत सारे में कैमरा अलाउड नहीं था, इसीलिए गाइस यही कारण रहता है। एंड गाइस काफी सारे इस्कॉन टेम्पल में तो काफी ज्यादा मजा आया। एंड गाइस सब हम लोग जो उधर में नाश्ता पानी भी कर लिए थे, शाम का जो है चॉप वगैरह खा लिए, समोसा टॉफी वगैरह सब खा लिए थे। और गाइस हाँ, तो बगल वाली बालकनी में आ गया था कोई, इसलिए मैं कैमरा बंद कर दिया। हाँ तो शाम का नाश्ता भी हो गया था। एंड गाइस रात का जो डिनर है वो हम लोग होटल रूम पे ले आएंगे, मतलब बाहर से जाके। एंड गाइस बस आज का तो घूमना हो गया, अब कल वापस से कंटिन्यू करेंगे अपना घूमना। एंड गाइस फिर 28 की हम लोग की शाम की टिकट, पहुँचते पहुँचते 29 को रात हो ही जाएगा। एंड गाइस बस फिलहाल मैं थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, वीडियो वगैरह बनाता हूँ क्योंकि गाइस अभी काफ़ी ज़्यादा थक गया, बहुत घूमे क्योंकि गाइस बहुत घूमे। जो मज़ा आया ना गाइस मैं आप लोगों को शब्दों में नहीं बता सकता, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी गाइस, बस मजा ही आ गया। सो गाइस फिलहाल टाइम जो है रात के 8:30 से भी ऊपर हो चुके हैं। एंड गाइस अभी हम लोग नीचे रेस्टोरेंट से डिनर वगैरह भी लेके आ चुके हैं। एंड गाइस ठीक है, अभी मैं आप लोगों को डिनर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि गाइस आज उतनी भूख नहीं थी तो कुछ खास हम लोग नहीं लाए डिनर में। एंड गाइस लेकिन डेजर्ट में हम लोग मस्त एकदम रस भरा रसगुल्ला लाए हैं, चलिए मैं आप लोगों को वही दिखा देता हूँ। सो गाइस अभी टाइम जो है रात के 10 बजने वाले हैं। एंड गाइस बस आज के ये व्लॉग में इधर ही एंड करता हूँ। होप कि गाइस आज के ये व्लॉग आप सभी लोगों को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज मेरे व्लॉग को लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कल मैं आप लोगों को मिलता हूँ न्यू व्लॉग के साथ, टिल देन टाटा बाय बाय।